बोन लेंथ को कंपेयर कैसे करते हैं? अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि किसकी बोन लेंथ ज्यादा है और किसकी कम है, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम किस टाइप से बोन लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं? तो आज की वीडियो के अंदर हम एक ऑर्डर डिस्कस करेंगे. क्या करेंगे? ऑर्डर डिस्कस करेंगे जिसको आप फॉलो करने से जो बोन लेंथ है आप उसे आसानी से क्या कर पाओगे, कंपेयर. तो इसका सबसे पहला फैक्टर क्या है? इसका सबसे पहला फैक्टर है साइज. क्या है? साइज. अब साइज किसका? डिफरेंट पीरियड वालों का. किसका? डिफरेंट पीरियड वालों का. अब मान लीजिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स गिवन है और वो डिफरेंट पीरियड के हैं, और अब उनकी बोन लेंथ अब कैसे कंपेयर करेंगे, वो हम करेंगे साइज के द्वारा. तो साइज में अगर साइज उनका क्या है, ज्यादा है. क्या है? ज्यादा. तो जो हमारी बोन लेंथ होगी क्या होगी, बोन लेंथ वो क्या होगी हमारे पास, कम. मतलब अगर साइज किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसका जो बोन लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जो दूसरे वाला है उसकी बोन लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी. नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है बॉन्ड ऑर्डर का. क्या है? बॉन्ड ऑर्डर. अब इस फैक्टर के अंदर सबसे पहले बात क्या आती है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक छोटा सा तरीका है, एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं जो कि है ClO4-. ClO4- के अंदर अगर आप देखो ClO4-, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है हमारे पास, sp3. sp3 कैसी आ रही है? 1/2 7+1. क्या आ गए हमारे पास? टेट्राहेड्रल, या फिर कहें हम sp3, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब ClO4 को जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे बन सकता है? सबसे पहले बन सकता है हमारे पास ClO, ऑक्सीजन, एक पे माइनस, 3 हमारे पास क्या जाएंगे, डबल हुआ. या फिर Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, ऑक्सीजन. या फिर एक और इसका क्या बन सकता है, इसके हमारे पास टोटल 4 बन सकते हैं. क्या इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रेजोनेंस. क्या रीजन है? रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होता है कि जो हमारे, अगर ये हमारे पास एक बेंजीन स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो हमारे प्योर पी जो हमारे पास है, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता. ये क्या करता है, चारों तरफ, मतलब जो हमारा सर्कल है कंप्लीट करता है, मतलब घूमता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है. जिस वजह से जो हमारे बॉन्ड है वो कभी इस तरफ, जैसे हमारे पास एक बेंजीन यहाँ पे रिंग आती है जो हमारे पास कितने कार्बन की होती है, 6 कार्बन की होती है. अब कभी हमारे पास ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये ऐसे भी बना सकते हैं. क्यों बना सकते हैं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. अब ऐसे हमारे पास क्लोरीन के क्या बनेंगे, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे. क्या बनेंगे? 4 स्ट्रक्चर. अब मेन बात क्या आती है कि बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कैसे करें, या फिर बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले निकाले कैसे. तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, 1+ जितने भी पाई बॉन्ड है और जितने सिग्मा बॉन्ड है, 1+ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइड किससे करना है, जितने भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है. अब अगर हम इसका एक पूरा एक टोटल स्ट्रक्चर बनाए वो किस टाइप से होगा, कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है. क्या है? क्लोरीन है. यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा जिस पे है माइनस साइन. यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है. अब जो एक डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉटेड जो लाइन है वो बना रहा हूँ, क्या डिनोट कर रही है ये लाइन? ये डिनोट कर रही है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, जो हमारा बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ जा सकता है. यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी हमारे पास बॉन्ड नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पहली बात यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब पहले से उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3 और 4. नीचे तो आ गया 4, ऊपर क्या होगा, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3. तो 1+3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4+3/4, 5, 6, 7. तो हमारे पास क्या आ गया, 7/4. अब आप इसको किसमें कन्वर्ट करो, डेसिमल फॉर्म के अंदर. फ्रैक्शन को आप डेसिमल फॉर्म में करोगे, दो मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा और किसकी है कम. अब इसी केस में अगर हमारी बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारी ज्यादा है, हमारी जो बॉन्ड ऑर्डर आती है हमारे पास ज्यादा है, तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी, जो हम कंपेयर करना चाहते हैं बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगी, कम. अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी. अगर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ
वो क्या होगी, कम होगी। अब मान लीजिए कि ये वेक्टर भी सेम है, साइज वेक्टर भी सेम है, तो अब क्या करें? तो इस केस में हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा बोन लेंथ होती है वो होती है sp3 की, उसके बाद आता है sp2, उसके बाद आता है हमारे पास sp। ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फोर्थ फैक्टर। जब आएगा, जब हमारे पास तीनों में से ही हम किसी भी तरीके से बोन लेंथ को क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फोर्थ जो कि हमारा लास्ट फैक्टर है, क्या किसको कंपेयर करने के लिए, बोन लेंथ को कंपेयर करने के लिए, वो है हमारे पास परसेंटेज एस, परसेंटेज एस। अब अगर मान लीजिए कि परसेंटेज एस हमारे पास ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, तो जो हमारे पास बोन लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम। दूसरी तरफ जो हमारी बोन स्ट्रेंथ है, क्या, बोन स्ट्रेंथ, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब अगर हमारे पास जो परसेंटेज की जो हमारे पास वैल्यू वो अगर ज्यादा आ रही है, तो दूसरी तरफ बोन लेंथ हमारे पास कम हो जाएगी, लास्ट बोन स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, तो सबसे पहले तो वो क्या डिमांड करता है, जो हमारे पास परसेंटेजेस करेक्ट है उसको ज्यादा पसंद है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस केस में जो ये वाला बॉन्ड है, जो एक्स और हमारे पास लोन पेयर का बॉन्ड है, यहाँ पे जो एस है वो 3 times ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस हमारे पास जो हमारे पास परसेंटेजेस करेक्टर है वो इन तीनों के अंदर कम होगा, क्योंकि लोन पेयर जो है उसको परसेंटेजेस करेक्टर चाहिए, उसे पसंद है, तो इस वजह से यहाँ पे कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एस करेक्टर कम हो रहा है, जो परसेंटेजेस करेक्टर है वो कम हो रहा है, तो हमारी बोन लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। इन्वर्सली अगर आप देखो, यहाँ पे बढ़ रही थी तो कम हो रही है, और अगर हमारे पास यही हमारे पास कम हो जाए तो बोन लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।